बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। स्टेट काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों साल दो जगह काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करी जाती है, जिस दे विच वह बॉम्बे के जेडे 26/11 के अटैक हुए थे उस तरह के अटैक्स नू सिमुलेट करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। इस साल जड़ा उन्होंने साडा अमृतसर नू सिलेक्ट करया इस एक्सरसाइज लई। पिछले दो महीने तो उहदी तैयारी चल रही है ते कल दोपहरे 3 बजे तो स्टार्ट होएगी एक्सरसाइज ते 4 तरीक नू सवेरे तक यह कंप्लीट होएगी। इस दे लई सिमुलेशन का मतलब हुंदा है जिस तरह असल विच हो रहा है वैसे ही होएगा। तो साड़ी सारा रिस्पोंस एमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम ते जो टेररिज्म फाइटिंग दियाँ कैपेबिलिटीज़ उस तो बाद जो एनएसजी टीम्स भी आन गियाँ अलग अलग हिस्सों चो देश दे फ्लाई करके वो रिस्पोंस देन गियाँ। असी मीडिया नू ये ब्रीफ करना चाहते हैं कि सिमुलेशन दे विच रियलिज्म लियाण दे लई कि सचमुच हो रही है तो छोटे मोटे स्टन ग्रनेड ना एक्सप्लोजन वगैरह करनगे ते गन फाइट दी भी सिमुलेशन होएगी। तो इसलिए पैनिक ना क्रिएट होए नागरिकां दे विच ते मीडिया असी पहला ब्रीफिंग देना चाहते सीगे। इस नू लै के जिदा जदों एमरजेंसी सर्विसेज मूव करनगियां तां ट्रैफिक भी ब्लॉक किया जाएगा, अलग अलग दफ्तर भी बंद किए जाएंगे, तो उत्थे एवैकुएशन ड्रिल कराई जाएगी भी मुलाजमान नू बाहर कढ़िया जा रहा। तो सारा मॉक ड्रिल का हिस्सा है, इस च पैनिक नहीं करना। हाँ पॉइंट्स मैं दस सकता, जिदा कि रेलवे स्टेशन एक पॉइंट हैगा, उस तो अलावा खाना पेपर मिल हैगा पॉइंट, फिर अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिहड़ा वो पॉइंट हैगा, सीपी ऑफिस डीसी ऑफिस एंड सैशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्पलैक्स जिहड़ा वो भी एक पॉइंट हैगा, खालसा कॉलेज एंड एयरपोर्ट, ट्रिलियम मॉल ते ताज। हाँ मैं दोबारा तो रिपीट कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन सीपी ऑफिस डीसी ऑफिस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ट्रिलियम मॉल ताज होटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खन्ना पेपर मिल एयरपोर्ट खालसा कॉलेज। तो इस क्योंकि इन्नी जगह मल्टीपल जो अटैक होंदा है तो साड़ी पुलिस फोर्स दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग ते किस तरह आपां वध तो वध लोकां नू सेव कर सकते हैं, जिहड़े जख्मी हो गए उन्हां नू एवैकुएट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जिहड़े टैररिस्ट बन के आए हुए होणगे जिहड़े एक्टिंग कर रहे होणगे उन्हां नू असी न्यूट्रलाइज करन दी कोशिश करनी है। तो फिर NSG जिहड़ी है वह भी आके अपना रोल निभाएगी तो वह भी कार्रवाई करेगी। इस तो पहला कई शहरां च ड्रिल हो चुकी है, इहदा मेन मंतव है इस ड्रिल का कि सानू ट्रेनिंग देना कि भी किस तरह ऐसी सिचुएशन नू हैंडल करना, केड़ियां केड़ियां चीज़ां दी साड़ी स्ट्रेंथ है इस वेले, केड़ी केड़ियां चीज़ां दी वीकनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड हुंदा है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो असी सारे कमिश्नरेट दी पुलिस काफ़ी एक्साइटेड भी है, ऑफिसर्स ड्यूटियां लगिया हुई हैं, तो कल दी असी तैयारी करी हुई है। मैं तुहानू दस्सिया कल दोपहर तो लैके परसों सवेर तक चले। मीडिया मीडिया का यही है क्योंकि तुहानू वैसे भी असी कॉर्डन करांगे, फायरिंग रेंज जिहड़ी है हुंदी है अप टू 1 किलोमीटर हुंदी है। पिछे जे साडे घटना भी होई सी जिहड़ा चल रहा सी पकना विलेज दे विच एनकाउंटर चल रहा सीगा पुलिस दे नाल लाइव, तो उस साडे एक मीडिया दे कर्मी जेड़े है उन्होंने बुलेट इंजरी हो गई सी, इसलिए मीडिया दूर तो फायरिंग रेंज तो दूर तो ही कवरेज करे, रादर ना करे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पुलिस दिया ते NSG दिया टैक्टिक्स जेड़ी है वो टेररिस्ट देख रहा हुंदा भी हुण किधरों आई है। तो बॉम्बे अटैक दे विच गलती हुई सी मीडिया तो जिहदा टेररिस्ट नूं काफ़ी फायदा होया सी ते उस नाल फोर्सिस दा नुकसान भी होया सी। मीडिया जो भी ऐसा कोई ऑपरेशन होंदा है तो DC साहब या मेरे वालों एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जिहड़ा तुहानू अपडेट दिंदा रहेगा, बट लाइव ऑपरेशन की कवरेज ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो अफेक्ट करता है कि
जिहड़े मीडिया की जो भी लाइव कवरेज है उन्होंने टैररिस्ट भी देख रहे होंगे तो वो साड़ी टैक्टिक्स ते ऑपरेशंस बारे उन्होंने जानकारी मिल जाती नहीं जो अंदर जो बैठे जहाँ ना फाइटिंग चल रही है उन्हें तक नहीं जानी चाहिए भी किधरों पुलिस आ गई है या NSG आप आ गई है नहीं आई है। ये जरा 26/11 अटैक्स हुए थे बॉम्बे उस मिसटेक हो गई सी क्योंकि फस्ट टाइम इदा होया किसी कुछ पता ही नहीं क्या करना तो उत्थे मीडिया ने फिर रिजॉल्व कराया कि भी ऐसा असं नहीं करा देखो पुलिस तुम रोकेगी काफ़ी दूर ही रोक देना उन्होंने अगे नहीं आन देना सिटीजनज़ को भी एवैकुएट कराया जाएगा मीडिया को भी कराया जाएगा सारे की सेफ्टी लिए ड्रिल मतलब भी जो असली हो रहा है उसी तरह करा सारा रोल ही पुलिस का है तो NSG सानू ज्वाइन कर लेगी क्योंकि वो इलीट काउंटर टैररिज्म फोर्स है तो जब तक वो नहीं आते तद तक टोटली असी करांगे उन्होंने कंटेन तो न्यूट्रलाइज उस तो बाद NSG भी आ जाएगी फिर वो बराबर का मैच होगा। ऐसा नहीं असी सिमुलेशन करांगे बंद नहीं करना जिस तरह कोई सोच सकता है जी भी आ वाला एरिया इन्होंने इदा क्यों कर पहला दसता भी इट्स अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज पैनिक ना होए इसका सर मेडिकल सेवावां ने सर एक सेकंड मेडिकल सेवावां जिहड़ियां ने ये भी मॉकड्रिल दे विच फिर शामिल कीती जाणगीआं जे तुसीं उत्थे एक्सरसाइज करदे जे हां जी ड्रिल दा मतलब है असीं किसी नूं भी जो रोजमर्रा दी जिंदगी है उहनूं डिस्टर्ब नहीं करांगे जिहदा पेशेंट्स है डॉक्टर्स है जिहड़े उत्थे रिक्वायर्ड है ड्रिल दे विच उह अगे दसणगे जी साडी आह तैयारी है हुण आह एंबूलेंस आ गई चलेगी किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नु कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर जब एनर्जी किसी भी पॉइंट ते अंदर जांदी है ओथों दी बाहर ले अगर असी कवरेज कर सके कि देखो नहीं वो नहीं करना क्योंकि तुसी जदों दिखाया तो अंदर टेररिस्ट भी देख रहा होएगा वो फिर अलर्ट होएगा बाहर तो ही जैसा रेलवे स्टेशन दे बाहर ही है जदों अंदर गड्डियां जा रही हैं। देखो यही चीज मैं दस रहा ना जदों बॉम्बे दे विच NSG लैंड करी क्योंकि फ्लाई करके आए सके वो तो उन्होंने टेररिस्ट नु पता लग गया सी कि हुण NSG आ गई तो उन्होंने अपनी टैक्टिक्स इमीडिएटली चेंज कर ली अराइवल का भी सूचना जी उन्होंने मिल जाना नुकसानदायक। दूसरी जगह सर कि एक तो अमृतसर कर रहे दूसरी इन्होंने कितने त्रिवेंद्रम सेम डे सेम डे सर पब्लिक को कोई अपील क्योंकि पब्लिक कई बार पैनिक हो जाती है जी हम और देखे अमृतसर के लोगों को अपील करना चाहते हो पब्लिक नु यही है कि ये मॉक ड्रिल है एक्सरसाइज है ये साड़ी ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज नु वधाने के लिए इस ना सहयोग दें एक पैनिक ना कर कुछ भी नहीं होएगा किसी भी पैसेंजर नु भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करांगे ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं करांगे मैं यही दस रहा ना जस्ट कि भी मीडिया कई बार पैनिक कर जाता भी एक्सप्लोजन की साउंड आई है धमाका होया भी कोई ब्लास्ट हो गया क्या होया उस तो बाद पुलिस इधर उधर तो दौड़ रही है तो तुसी ये ना सोचो भी कुछ रियलिटी च हो गया कल गोली चले या बम धमाका होया ते लोग डरन नहीं उस ओना एरिया जिथे ट्रेनिंग चल रही है सर ये गल असि समझ के अंडरस्टैंड कर गए हैं कि सानू इसे करके सद्दे गए हैं कि लोगों नु अवेयर करने वास्ते कि हां एक एक दसो कि PM दी कोई कंफर्मेशन है जी कोई अमृतसर दौरे दी क्या सारे जी साहब नु जरूर असि ते की ए ओदे नाल रिलेटेड कोई मॉक ड्रिल लिया गया नहीं ओदे नाल नहीं है मैं दसया 2 महीने पहला तो डिक्लेअर्ड सीगा ओके हां ਮਤਲਬ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 26/11 ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ NSG ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਾਓ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਲੱਕੀ ਡਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSG ਦੇ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ